दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के द्वारा BA और BSc थर्ड ईयर का रिजल्ट कब तक आ सकता है, BA और BSc थर्ड ईयर का रिजल्ट कब तक जारी होगा। इस वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में जानेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले अगर अभी तक इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आपका आए सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूँगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो भी BA और BSc थर्ड ईयर का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आपका इंतज़ार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, BA और BSc का थर्ड ईयर का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, आपका इंतज़ार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, BA और BSc थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है वो जुलाई के लास्ट वीक में आएगा। जी हाँ दोस्तों, जुलाई के आखिर में आपका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों उधर दोस्तों जो यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए हैं उनकी अगस्त में काउंसलिंग होनी है। तो दोस्तों काउंसलिंग में मार्कशीट का होना, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यूपी बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की काउंसलिंग होनी है उसमें मार्कशीट का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों काउंसलिंग अगस्त में है, तो दोस्तों अगस्त के पहले पहले, 1 अगस्त के पहले पहले, यानी दोस्तों आपका जो रिजल्ट आना है वो BA और BSc थर्ड ईयर का रिजल्ट जो आना है वो लास्ट वीक में, जुलाई के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट हर हाल में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इंतज़ार करिए, आपका रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर आने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आप लोग इंतजार करें, जैसे ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस आती है रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट आता है मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।